नमस्कार, झारखंड एन एम एम एस एस अर्थात राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 2020-21 के मेंटल एबिलिटी का यह पार्ट 6 वीडियो है। इसमें हमने प्रश्न संख्या 76 से लेकर 90 तक के प्रश्नों का हल प्रस्तुत किया है। तो प्रश्न संख्या 76, आप यहां देख रहे हैं क्यूबिक रूट ऑफ 125 × 64, यानी 125 गुना 64 का घन, इनमें से कौन सा होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्यूबिक रूट ऑफ 125 गुना ये क्यूबिक रूट ऑफ 64 यानी 64। तो हम जानते हैं 125 का जब हम घनमूल निकालते हैं यानी क्यूबिक रूट निकालते हैं तो ये होता है 5, और 64 का निकालते हैं तो ये होता है 4। तो इस तरह से हो गया 5 × 4 = 20। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 77, यदि 64y8 ठीक 3 द्वारा विभाजित है तो y का न्यूनतम मान है, तो इनमें से कौन सा मान होगा ये हमें बताना है। और ये शर्त ये है कि ये जो संख्या दी हुई है ये 3 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो हमें यह जानना होगा कि 3 से जो विभाजित होती है उसके लिए जांच क्या है, कैसे हम जांच करें कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होती है अथवा नहीं। तो इसका नियम यह है कि इस संख्या के अंकों का जोड़, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो आइए इसके अंकों को जोड़ते हैं। 6, 6 + 4 + 8, तो ये हो गए हमारे 6, 4, 10, 8, 18। और इस 18 में हमें जोड़ना है कितना y। तो इस y का मान, न्यूनतम मान निकालना है कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो 18 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो भी 18 होता है, और हम जानते हैं कि 18 3 से विभाजित होती है। तो इसका मतलब अगर y का मान हम यहां 0 बैठा दें तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 0 बैठाने पर यह संख्या हो जाएगी 6408, और ये 3 से विभाजित होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 78, एक समद्विबाहु त्रिभुज की आधार भुजा 6 सेंटीमीटर तथा इसकी परिमाप 16 सेंटीमीटर है, प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई है। तो इसमें से हमें बताना है कि वो जो बराबर भुजा होती है उस वो कौन सी है। तो ये मान लिए कि ये वाला हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ए बी सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु में हम जानते हैं कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा दी हुई है 6, और इन तीनों का योग, परिमाप यानी तीनों का योग है 16 सेंटीमीटर। तो इन दो भुजा का जोड़ कितना हो जाएगा, 16 से 6 घटा देंगे तो ये 10, इन दोनों बराबर भुजाओं का योग हो गया 10। तो चूंकि दोनों बराबर हैं तो एक भुजा कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 79, ए तथा बी की आयु आयु जो है उनका अनुपात 5:7 है, आज से 4 साल बाद उनकी आयुओं का अनुपात 3:4 होगा, बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसको हम इस तरह से हल करते हैं,
मैं डिटेल में ही हल कर दे रहा हूँ, आप परीक्षा में जब आएगा ये प्रश्न इस NMS में या किसी MCQ में, तो आप शॉर्ट में करेंगे। तो मैं ये इसे डिटेल में कर रहा हूँ। मान लिया कि ए की वर्तमान आयु ये हमने मान लिया 5x, और इसी तरह से बी की वर्तमान आयु 7x। तो 4 साल बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? ए की आयु ये हो जाएगी 5x+4, और इसी तरह से बी की आयु हो जाएगी 7x+4। और अब जो शर्त है प्रश्न से, 4 साल बाद इनका अनुपात हो जाता है 3:4। तो यानी ये ए का उम्र 4 साल बाद और ये बी का उम्र 4 साल बाद, और ये अनुपात हो गया 3:4। इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें एक्स का मान निकल जाएगा। तो ये तिरछा गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 20x+16, और इधर से ये करेंगे तो ये 7×21x+12, और इधर एक्स लेते आएंगे तो ये हो जाएगा 20x-21x, और इधर 12-16 या -x=-4 या x=4। तो x का मान निकल गया। तो b की आयु कितनी थी? 7x है। तो b की वर्तमान आयु तो ये हो जाएगी 7x था तो ये 4, तो 7×28 वर्ष। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 51 है, बीच का पूर्णांक है, इसमें से बीच का पूर्णांक निकालना है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो इसे फिर हम मान लेते हैं, मान लिया कि पहली संख्या x तो क्रमागत है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x+1। तीसरी संख्या ये हो जाएगी x+2। तो प्रश्न से इन तीनों का योग कितना हो रहा है? x+x+1+x+2 ये हो रहा है 51। तो ये हो गया x+x+x 3x+3=51, या 3x=51-3=48। तो इससे क्या हमें मिल रहा है? x=48/3 यानी 16। तो पहली संख्या इसका मतलब ये हो गया 16, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 18। तो बीच की संख्या क्या है? 17। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक, निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रश्न आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी के स्थान पर एक प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न आकृतियां एक श्रृंखला में है, उत्तर आकृतियों के 4 विकल्प हैं। पता लगाएं कि प्रश्न में दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही आकृति को चुनिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये प्रश्न आकृतियां प्रॉब्लम फिगर्स हैं, जिसमें ये 3 दिया हुआ है, चौथे में क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, इस आंसर जो फिगर दिया हुआ है इसमें से चुनना है। ये एक सीरीज में चल रहा है, तो इस सीरीज का जब हम रूल को जान लेंगे तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन वाले जगह में कौन सा फिगर होगा वो चुन लेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं 81 में ये इस तरह से है, एक ही, और
यहां से एक हट गया, जब यहां आगे बढ़े तो ये नीचे वाला जो है ये हट गया, अब इस जब इधर आ रहे हैं तो एक ये हट गया, तो इस क्रम में देख रहे हैं एक ये नीचे हट गया, ये फिर इधर बाएं हट गया, फिर इसका मतलब ये ऊपर वाला हटेगा, ये वाला हट जाएगा, जब ये वाला हट जाएगा तो हमारा ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वन सीरीज में। अब 82 में देखिए, इस वृत्त को 8 भाग में बांटा गया है और जब दूसरे फिगर में आते हैं तो ये एक जो है, ये जो एक लकीर है, एक रेखा है, वो हट गई है। फिर तीसरे में आते हैं तो ये वाला भी हट गया है, तो चौथे वाला में इस दो में से एक हट जाएगा, तो इसका मतलब ये तीन नंबर में एक ही है लकीर, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 83, यहां देख रहे हैं ये जो फिगर है जिसमें ये ब्लैक डॉट है, ये दूसरे फिगर में एक कॉर्नर छोड़ के अगले कॉर्नर में आ जा रहा है, ठीक है, यहां पर देख रहे हैं, फिर तीसरे फिगर में ये कॉर्नर छोड़ के यहां पर आ गया है, ये देखिए, तो अब चौथे फिगर में क्या होगा, यहां छोड़ के कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, नहीं यहां पर तो नहीं है, तो ये कहां पर आ जाएगा, इसको छोड़ के यहां छोड़ देगा ये कॉर्नर, तो फिर यहां आ जाएगा, है ना, नेक्स्ट तो यही आ रहा है, तो ये हमारा ये पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। 84 में देखिए, यहां इस स्क्वायर को 8 भाग में बांटा गया है, तो यहां इस को ब्लैकन किया गया है, रंगा गया है, इसके बाद ये दो ब्लैंक है और फिर यहां पर रंगा गया है दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में ये दो ब्लैंक है और इसे रंगा गया है, तो इसका मतलब चौथे वाले में क्या होगा, ये दो ब्लैंक रहेगा, यहां रंगा जाएगा, तो ये कौन सा हमारा है, ये वाला चौथा नंबर, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। 85 में देख रहे हैं, फिर उसी तरह से एक वृत्त को, एक सर्कल को 8 भागों में बांटा गया है, पहले वाले में इसे रंगा गया है, अब इसके बाद देख रहे हैं एक छोड़कर, ये देखिए यहां था एक छोड़कर इसे फिर रंगा गया है, फिर इसके बाद तीसरे वाले में इसे छोड़ के इसे रंगा गया है, देखिए यहां, तो चौथे वाले में इसे छोड़ के इसे रंगा जाएगा, तो ये कौन सा है हमारा पहला नंबर, ये हमारा ऑप्शन सही है। इस तरह के प्रश्नों में जब आप श्रृंखला किस नियम से चल रही है, सीरीज किस नियम से चल रही है, इसे जब आप पकड़ लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 86 से 90, दी गई आकृतियों में कौन सी वस्तु को बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण एक्स वाई पर हो, तो ये मिरर इमेज वाला प्रश्न होगा ये चारों। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक फिगर दिया हुआ है, बताना है कि ये जो मिरर है इसमें ये कैसा दिखेगा, तो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसको ठीक ऐसे क्या कहेंगे, पार्स के रूप में इसे उलट देंगे, इस तरह से उलट देते हैं, है ना, इस तरह से उलटते हैं, अर्थात ये भाग इधर आ जाएगा, ये भाग इधर आएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा, ये है ना, ये वाला भाग इधर हो गया, ये वाला भाग जो था वो इधर आया और ये वाला भाग इधर आ जाएगा, देखिए यहां पर हमने पलट के दिखाया है, तो इस तरह से हमारा यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। अब 87 में देखिए, इस बार मिरर इस साइड में है, तो अगर हम इसे उल्टा करेंगे, इस साइड मोड़ेंगे, तो क्या होगा, ये देखिए हमने फिर आगे भी करके दिखाया है, ये हुआ, तो ये वाला जो पोर्शन है वो किधर आ जाएगा, आप देखिए,
जब इसे हम मोड़ेंगे तो ये तो बीच का है रेखा, ये ए ही रह जाएगा और ये दोनों ठीक इधर आ जाएगा जैसा यहां पर हमने दिखाया है। देखिए ये जब इसको हम मोड़ते हैं इस तरह से तो ये इधर आ गया और ये इस साइड दिख रहा है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, आप देखिए ये कौन सा सही है, आप खुद से देखिए कौन सा सही है। ये वाला जो फिगर हमारा है ये कौन सा है, आप खुद से अंदाज लगाइए। ये पहला वाला हमारा है, अब 88 में देखिए ये मिरर नीचे रखा गया है, नीचे रखा गया है तो इसे जब हम घुमाएंगे यानी ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो कैसा दिखेगा, आप देखिए हमने इसे घुमा के दिखाया है, जब ये इधर से घूमेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा है ऑप्शन, ये इसे आप स्वयं से घुमाकर देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को मैं कहूंगा कि आप कॉपी पर बना लें और दो इसी तरह का दो बनाएं जो यहां पर दिया हुआ है, इस तरह का ठीक दो बनाए, एक यहां पर रखें ये इस मिरर के ऊपर और दूसरा इसे उलट के रखें, तो आपको एक अंदाज हो जाएगा कि मिरर इमेज किस तरह से बनता है। तो ये वाला हमारा कौन सा, ये तीसरा नंबर था। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए इस बार मिरर इस साइड में है, दाहिनी ओर है, तो इसे जब हम इस तरह से घुमाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा हमारा, अर्थात ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए यहां फिर जो हमारा मिरर है वो दाहिनी ओर है, तो इसे जब हम घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन यहां पर आएगा ऐसे इस तरह से, है ना, ये इसमें इस तरह से ये दिखेगा, तो फिर ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो इस तरह का कौन सा है हमारा, ये दो नंबर। मिरर इमेज वाले प्रश्नों का प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि जो प्रॉब्लम फिगर है इस प्रॉब्लम फिगर का ही एक फिर से इसे आप बना ले, और जिस तरह से मिरर है उसके पीछे वाले भाग में इसे उलट कर, है ना, उलट कर कहें कि बाएं को दाएं और दाएं को बाएं रख के आप देखें तो आपको पूरी तरह से मिरर इमेज किस तरह से बनता है क्लियर हो जाएगा, और जब भी मिरर इमेज वाले प्रश्न आएंगे आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। आशा है कि जो प्रश्न का हल हमने दिया है वो आपको समझ में आया होगा, और इसी के आधार पर आप प्रैक्टिस करें, इन सारे प्रश्नों को पुनः आप प्रैक्टिस करें, जितने भी मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होते हैं किसी भी परीक्षा में उन सभी के लिए ये उपयोगी है। धन्यवाद।